चलिए आज हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लें, ताकि कल एग्ज़ाम में कुछ बेहतर नंबर आ जाए। और इसके बाद एक वीडियो हम डालेंगे जिसमें आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को लिखें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। पहले चलिए इलेक्ट्रिसिटी को कम्प्लीट कर लेते हैं, ठीक है? ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है यहाँ पर ए सेल रेसिस्टर ए की एमीटर आर अरेंज्ड, ये इसको लगाया गया एक सर्किट में। द करेंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी मैक्सिमम, यहाँ ऑप्शन दे रखा मैक्सिमम इन फर्स्ट, मैक्सिमम इन सेकेंड, मैक्सिमम इन थर्ड, द सेम इन ऑल द केसेस। तो देखिए एमीटर को तो सीरीज में लगाना पड़ता है, ठीक है? और जहाँ से करंट चला हो तो जब भी लगाना होगा, तो करंट जब चला तो रेसिस्टर के बाद लगाना होगा, ठीक है? ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से इस सभी में देख लीजिए कि हर जगह पर देख लीजिए रेसिस्टर में तो सीरीज में ही लगा हुआ है, तो इसलिए हर जगह आपको क्या मिलेगा, सेम। तो इसलिए हम लोग डी ऑप्शन से जाएंगे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, क्या कि इस कंडीशन में सभी में सेम जाएंगे करेंट, ठीक है सर? चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करें। कहते हैं द फॉलोइंग सर्किट हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेसिस्टर और द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी विल बी, तो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? तो कह रहा है इन द फॉलोइंग सर्किट हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेसिस्टर और द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी विल बी सेम इन ऑल केसेस, मिनिमम, मैक्सिमम एंड मैक्सिमम। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी रहेंगे तो उसमें आप देख लीजिए, तो इसमें क्या होगा सर, आप जानते हैं हीट जो होता है, हीट का फार्मूला क्या होता है, H बराबर I स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो हीट जो होता है करंट के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेसिस्टेंस से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम से भी। तो इसमें आप देखिए कि रेसिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो सीधा सीधा बात है कि जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस ज़्यादा बढ़ाते जाइएगा उतना क्या होगा, करंट ये हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? तो इस हिसाब से इसमें जो है ऑलमोस्ट हमारे हिसाब से तो सेम ही होना चाहिए हर एक केसेस में, क्या कि फर्स्ट में देखिए इसमें भी करंट निकालेंगे तो ऑलमोस्ट सभी में आपको सेम ही नज़र आएंगे, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला भाऊ, थर्ड नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझा जाए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस सब पार्ट को पहले देख लेते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटलिक वायर डिपेंड, किस चीज़ पर रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस नहीं, ध्यान से पढ़ा कीजिए, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस रहता था तो लेंथ पर भी, थिकनेस पर भी, है ना, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर भी, लेकिन यहाँ रेसिस्टिविटी है जिसकी असाइनमेंट क्या होती है, आपको मालूम होगा ओम मीटर होती है, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है दो फैक्टर पर, जिसमें पहला होता है नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा होता है टेम्परेचर। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी से हम लोग जाएंगे, नेचर ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है ए करंट वन एम्पेयर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू अक्रॉस सेक्शन ऑफ ए फिलामेंट इन 16 सेकेंड वुड बी रफली। तब इसको आपको निकालने के लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा, ठीक है सर? तो वन एम्पेयर, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर फोर में जो होगा, आपको बता दें कि जब इसको सॉल्व करते होंगे तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलम चार्जेस होते हैं, 1.16 × 10⁻¹⁹, है कि नहीं? तो यहाँ क्या पूछ रहा है, एक करंट वन एम्पेयर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज है, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में, ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज है। तो एक कूलम चार्ज यदि बात कर ले तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर? तो एक कूलम चार्ज में सर, ध्यान रखिएगा इस बातों को कि 1/1.6 × 10⁻¹⁹ से जब डिवाइड कीजिएगा तो ऑलमोस्ट आपका जो आंसर होगा वो 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ क्या बोला कि वन एम्पियर, बताइए आई बराबर फार्मूला पढ़ेंगे क्यू बाई टी, पढ़े हैं ना, आई बराबर क्या पढ़े हैं, क्यू बाई टी,
और 1 एम्पियर कब आएगा, जब चार्ज 1 कूलम हो और टाइम भी 1 सेकेंड हो। बट यहाँ टाइम कितना दे रखा है, 16 सेकेंड दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 कूलम चार्जेस में 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है कि नहीं। ओके, और नीचे देखिए टाइम कितना दे रखा है सर, 16 सेकेंड है। तो 16 सेकेंड है तो उसको बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 0 तो बढ़ाना ही पड़ेगा, 18 से तो ज़्यादा ही होगा ऑलमोस्ट, तो 18, 19, 20, 21, तो इस हिसाब से फोर्थ का हमारे हिसाब से तो 20 हो जाएगा, ठीक है, 10⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता, आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैव बीन प्रॉपरली कनेक्टेड। इसमें किस में प्रॉपर कनेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाना पड़ता है, ठीक है, तो वोल्ट मीटर कभी भी सीरीज में नहीं होगा। तो हमारे हिसाब से तो ये नंबर ठीक लग रहा है, सेकेंड नंबर का। इसमें देखिए वोल्ट मीटर जो है यहाँ पर वो पैरेलल में है, इसमें तो सीरीज में हो गया, ये तो गड़बड़ है। यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर के बदले एम मीटर को लगा दिया, गलत बात कर दिया है पैरेलल में, तो इस हिसाब से हमारे हिसाब से बी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 को हम लोग यहाँ तक देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 6 देखिए, कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम रेसिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेसिस्टर ईच 1/5 ओम। अब इसको कब मैक्सिमम होगा, जब सभी को हम सीरीज में लगा दें, क्या कि मैक्सिमम निकालने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और मिनिमम के लिए पैरेलल होता है। तो इस कंडीशन में हम सभी को यदि हम लगा देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उस हिसाब से इसका टोटल रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा सर, तो इसका टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा सर 1 ओम। पूछिए सर कैसे, तो इस हिसाब से जब आप इसको कनेक्ट कीजिएगा 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 पाँच बार लिखिएगा, फिर एलसीएम लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 बार ऊपर में ऐड कीजिएगा तो जैसे 1/5 + 1/5 ऐसे अगर करिएगा तो लास्ट में आप एलसीएम कितना होगा 5, और ऊपर में भी 5 बार एक एक लिखना पड़ेगा तो 5/5 करके कितना हो जाएगा सर 1 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट आगे मूव करें, 7 नंबर क्वेश्चन का था व्हाट इज द मिनिमम रेसिस्टेंस। अब देखिए मैक्सिमम तो ऊपर में बोल दिया, मिनिमम के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो मिनिमम के लिए आपको सभी को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, सभी को पैरेलल में जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1/1/5, तो ये 5 ऊपर आ जाएगा, तो इस हिसाब से 5/1 हो जाएगा, इस हिसाब से समझे बात को। तो उस कंडीशन में टोटल आपका कितना हो जाएगा सर 25/1, लेकिन आपको मालूम है पैरेलल है तो पैरेलल बाय 1/r होता है, तो टोटल रेसिस्टेंस को बदलने के लिए तो आपको चेंज तो करना पड़ेगा। तो यदि हम इसको बढ़िया से समझे तो ऐसे समझिए, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर, तो 1/1/5, अब ये 5 पलटेगा ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5/1, तो इसको 5 बार लिखिएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा टोटल 25/1 हो जाएगा, होगा। अब ये तो सर 1/r है ना पैरेलल में, जब इसको पलटेंगे रिवर्स करेंगे तो ये भी तो रिवर्स होगा, तो ये क्या लिखाएगा 1/25 ओम, ये बात ध्यान रखिए। और ये ऑप्शन किस में है सर, ये ऑप्शन अपने पास बी नंबर में है, ठीक है, तो हमारा 7 का बी हो जाएगा, ठीक है, धरपराना नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर 25, नहीं बेटा, लास्ट में पैरेलल वाले को रेसिप्रोकल तो करना पड़ता है ना, क्या कि आप पैरेलल में क्या लिखते हो 1/r1 + 1/r2 ऐसे लिखते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 मैडम कहता था प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल। तो एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए हर समय, देखिए इसमें देखिए बड़ा छोटा है ना, देखिए बड़ा छोटा है, ठीक है, इसमें देखिए बड़ा छोटा, फिर देखिए छोटा बड़ा हो गया, तो ये सेकंड नंबर तो गड़बड़ हो गया, बड़ा छोटा छोटा बड़ा नहीं होगा, बड़ा छोटा ऐसे ही चलेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमको ठीक लग रहा तो ए ऑप्शन से चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। तो V बराबर क्या जानते हैं, W बाय है ना पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर V बराबर क्या होता है सर, W बाय Q वर्क बाय चार्ज, V बराबर होता है W बाय Q, आप जान रहे हैं सर W होता है वर्क, तो ऊपर में देखिए वर्क डन लिखा हुआ है, और Q बराबर है तो हम IT भी लिख सकते हैं, क्या कि I बराबर आप फार्मूला पढ़े होंगे, I बराबर पढ़े होंगे Q बाय क्या होता है T, तो Q बराबर क्या हो सकता है IT, तो Q इक्वल टू हो जाएगा IT, IT इस क्यू की जगह हम IT से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इस क्यू को हम हटा दें तो हम फार्मूला को लिख सकते हैं सर क्या, V बराबर W बाय क्यू की जगह पर I × T, और IT मतलब क्या होगा करंट × टाइम, तो हमारा इस हिसाब से 9th का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर A, 9th का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर A हो जाएगा, ठीक है। 8 का भी क्या बताए थे आपको अभी जस्ट A,
चलिए इसका बताया था बी, इसका क्या बताया था सर सिक्स नंबर का क्वेश्चन का, यस कमेंट करके बताइएगा, वन सिक्स का मतलब डी बताया था, ठीक है ना। ओके अब क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ चले, कहता है सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए रेसिस्टेंस आर, अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 12 एंड रेसिस्टेंस आर सेम मटेरियल हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखिए इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व किया कीजिए, ठीक है। कहता है सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो उस कंडीशन में लेंथ जब 12 हो गया, अनदर कंडक्टर जिसका लेंथ 12 है, एक का लेंथ पहले वाले का एल था दूसरे का 12 है, उसका क्रॉस सेक्शन ए था एंड रेसिस्टेंस आर द सेम मटेरियल हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपको निकालना तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो जाएगा सर 2a हो जाएगा सर, ये कैसे दिमाग लगा दिए। तो आप जानते होंगे ओम्स लॉ के हिसाब से है ना, तो उसको आप बढ़िया से फाइंड आउट कीजिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ मूव करेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है चलिए सर 13 नंबर से समझते हैं। 13 नंबर इस टाइप के क्वेश्चंस बराबर देखने को मिलते हैं बिकॉज ये ग्राफ टाइप के क्वेश्चंस हैं। कहता है स्टूडेंट कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट VI ग्राफ ऑफ थ्री सैंपल्स नाइक्रोम वायर R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। तो VI के बीच में जो ग्राफ होता है तो स्ट्रेट लाइन ही बनते हैं बिकॉज रेसिस्टेंस होता है, तो भी जब भी कोई दो प्रोपोर्शनल के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया जाता है तो वो हमारे कैसे मिलेंगे सर स्ट्रेट लाइन मिलेंगे, ठीक है सर। चलिए तो रेसिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है सर I इंटू R होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन I, ठीक है सर। तो R जो है करंट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस अब इसी पर अब दिमाग लगाइए, R जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमने भी क्या फाइंड आउट किया R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो उस कंडीशन में जिसमें करंट ज़्यादा होगा रीडिंग उसमें रेसिस्टेंस क्या होंगे सर कम होंगे। तो यहाँ पर आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू वैल्यू, तो आपको करना क्या है सर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू वैल्यू नाइक्रोमेटिक थ्री रेसिस्टर लगा हुआ, अच्छा इसको सजाना है रेसिस्टेंस, तो इसके हिसाब से हमारे हिसाब से तो सी हो जाएगा, क्या है कि R3 का देखिए सबसे कम करंट है तो इसमें रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना एक दूसरे से, बटा में जा रहा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना, तो करंट जिसमें ज़्यादा होगा उसमें रेसिस्टेंस कम, करंट सबसे ज़्यादा किस में है R1 में है तो R1 में सबसे कम होगा रेसिस्टेंस, ठीक है। फिर उससे थोड़ा R2 में होगा, क्या इसको ऐसे ग्राफ मिलेगा वाई एक्सिस पर मार्क कर रहा है करंट है कि नहीं, चलिए तो सी ऑप्शन से हम लोग चलेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है सर, 12 को समझिए, 12 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, कहता है इन आ इफ द करंट है ना आई या एल थ्रू ए रेसिस्टर इज इंक्रीज 100 टाइम्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, तो यदि 100 टाइम्स उसको बढ़ा दिया जाए तो एज्यूम द टेम्परेचर रिमेंस अनचेंज्ड द इंक्रीज इन द पावर विल बी, तो पावर में क्या चेंजेस आएंगे सर, ठीक है ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है सर 12th नंबर को प्रॉपरली सॉल्व कीजिएगा। कहता है इफ करंट एल थ्रू रेसिस्टर इंक्रीज 100 टाइम्स, तो पावर के लिए आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला और बोला है कि यहाँ पर द टेम्परेचर रिमेन अनचेंज्ड पावर, तो एक तो फार्मूला पढ़ेंगे पी बराबर पढ़ेंगे वी इंटू आई, तो करंट को 100 टाइम बढ़ाया तो इसके हिसाब से, तो लेकिन यहाँ रेसिस्टेंस का भी चर्चा करना है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो आर पी बराबर दूसरा फार्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है तो इस हिसाब से पी बराबर होता है सॉरी पी बराबर होता है वी स्क्वायर बाय आर, तो इसमें आप क्या कीजिएगा और एक और होता है पी बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, तो करंट जब चेंज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से इसमें हमारे हिसाब से दबाव जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे हिसाब से तो इसका तो इसका भी सी ही हमको बुझा रहा है कि 300% ऑलमोस्ट बढ़ जाएंगे। 13 नंबर रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड, रेसिस्टिविटी किन फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, इसको तो आंख मूंद के मार दीजिएगा सी हो जाएगा सेफ। नेक्स्ट कहता है इलेक्ट्रिक बल्ब है ये न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइए 14 नंबर का, बट हमारे हिसाब से तो बी ही होना चाहिए, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज मोर देन द ए बिकॉज आप इसको पढ़िएगा 40 वाट 60 वाट एंड 100 वाट ABC करके दे रखा है, तो इसको अब कनेक्ट किया गया पैरेलल में कनेक्ट किया गया, ठीक है पैरेलल में आप जानते हैं वोल्टेज सभी में क्या होता है सेम करंट डिफरेंट होता है, ठीक है उसको फाइंड आउट कीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
आपका तो क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रिकल सर्किट टू रेसिस्टर 2 ओम 4 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन द सीरीज ऑफ 6 वोल्ट, द हीट जो प्रोड्यूस होगा बाय द 4 ओम, तो 4 ओम रेसिस्टर से जो हीट प्रोड्यूस होगा कितना होगा सर? ठीक है, तो सबसे पहले H बराबर हम जानते हैं सर I स्क्वायर इंटू R, H बराबर होता है ना I स्क्वायर R इंटू T होता है सर। तो सबसे पहले टोटल रेसिस्टेंस निकाल लीजिए, दोनों को दोनों पैरल में कनेक्ट किया गया, कहता है इन द सर्किट टू रेसिस्टर, है ना, तो 2 ओम 4 ओम को पहले आप कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पहले टोटल करंट निकाल लीजिएगा, को टोटल करंट कैसे निकालेंगे सर, तो 2 ओम और 4 ओम तो 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 कीजिएगा, एलसीएम हो जाएगा 4 2 और प्लस 1, ये हो जाएगा 4 बाय 3 हो जाएगा टोटल रेसिस्टेंस। और देखिए 6 वोल्ट का बैटरी है, तो आई बराबर क्या होता है वी बाय आर, वी हमारा 6 है, आर की जगह पर क्या लिखेगा सर 4 बाय 3, है ना, तो इस हिसाब से 9 बाय 2 आ जाएगा आपका एम्पियर, और 9 बाय 2 आ जाएगा जब सॉल्व कीजिएगा कॉपी पर, अब कहता सिर्फ 4 ओम के साथ, तो एच बराबर होता है आई स्क्वायर, तो आई की जगह पर तो 9 बाय 2 लिखना ही पड़ेगा आपको, आई स्क्वायर आर, आर आपको 4 इंटू टाइम, टाइम कितना दे रखा है सर क्वेश्चन में, यस 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे हिसाब से तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 20 जूल्स। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। कहता है इन द इलेक्ट्रिक केटल 1 किलोवाट है पावर रेटिंग, ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्ट और अ फ्यूज वायर, व्हाट रेटिंग, कितना रेटिंग का फ्यूज वायर लगाना चाहिए? तो इसमें तो बस पावर का फार्मूला पुट कीजिए, आसानी से आपको निकल जाएगा। P बराबर आप क्या जानते हैं सर, V इंटू I होता है, आपको पावर मालूम है 1 किलो में कितना वाट होता है सर 1000, भागा वोल्टेज कितना है 220। आप राउंड फिगर में लीजिए तो कम से कम तो 5 एम्पियर से तो प्लस लेकर ही चलना पड़ेगा सर, क्या तो 16 का तो डी हो जाएगा, कहे उससे कम रहेगा तो उड़ जाएगा, कहे 220 से काटेगा तो मोटा मोटी 5 से, है ना, वही लमसम होना चाहिए 5 एम्पियर का, 4 एम्पियर रखिएगा जल जाएगा फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है सर, 17 कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 17 कहता है टू रेसिस्टर 2 ओम 4 ओम आर कनेक्टेड टू ए बैटरी विल बी, तो इसमें क्या हो जाएगा सर, सेम करंट व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, गलत बात है, पैरेलल में तो करंट बदल जाते हैं, वोल्टेज सेम होते हैं, पहला तो हो नहीं सकता है, दूसरा सेम करंट फ्लोइंग थ्रू द सीरीज में, हाँ ये बात तो ठीक लग रहा है, बी नंबर सही लग रहा है, बी नंबर ऑप्शन ठीक लग रहा है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़, तो बी ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 17 का हम लोग क्या लिखेंगे सर, 17 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ पावर मे बी एक्सप्रेस्ड एज, तो पावर के यूनिट वोल्ट एमीटर लिख सकते हैं, किलोवाट आवर लिखा है, पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर मे आल्सो बी एक्सप्रेस्ड, और सब तो होता है, ये भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए गुड लक टू यू ऑल।